शमशान में बिना मूर्ति का करते हुए मुर्दा डाल रही है, चिता बनाई, कौन दुखी है अपना पता बताओ। हे ईश्वर, आज ये कैसा दिन मुझे देखना पड़ रहा है। अरे जिसके साथ मैंने सात फेरे लिए, जिसके साथ मैं ब्याली बन के आई, आज वो ही मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आज इन शमशानों के अंदर कौन दुखी आई है, जिस मुर्दे को लेकर के पड़ी है और लाश फूंकना चाहती है। महाराज, अरे मैं कोई गैर नहीं, आपकी रानी तारा हूँ महाराज, आपकी रानी तारा हूँ। और जो ये लाश आप देख रहे हो, ये भी किसी गैर की नहीं, ये भी आपके पुत्र रोहतास कुंवर की लाश है महाराज, रोहतास कुंवर की लाश है। तारा, आज तुझे तेरे में पहचान लिया के ये महाराज है। उस दिन नदी के ऊपर नहीं पहचान पा रही थी, कह रही थी कि मैं धर्म घट जाएगा और मैं कोई महाराज नहीं हूं, मैं भंगी के नौकरी करता हूं, काले भंगी के रहता हूं, मैं कोई महाराज नहीं हूं, ना मैं किसी का पति हूं, ना मेरी कोई रानी है। पिया जी, आपसे कुछ कहना चाहती हूं, और मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। जोर क्यों जमावे पिया, सुरानी तेरी में, सुरानी तेरी घाटे पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी
घड़ी में अगर रोहतास के पिता मिलेंगे तो मुझे कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन ये मैंने नहीं सोचा था। अरे बियाजी, आपने तो आज मेरे सामने एक नया इतिहास रच के रख दिया, नया इतिहास रच के रख दिया। तारा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं एक नौकर हूँ, नौकरी करता हूँ। अगर मैं कर नहीं लूंगा तो मुझे जवाब देना होगा मालिक के यहाँ जाके। अरे महाराज, आप कह रहे हो कि इसमें गलती मेरी नहीं है। आज जो ये दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं, जो हालत मेरी है और जो हालत आपकी है और जिस हालत में आज मेरा बेटा रोहतास पड़ा है, इस सब के जिम्मेदार आप हो पिया जी। इस सब के पीछे तारा, ये धर्म है, इस धर्म को बचाने का हमारा कर्म है। हम बचाएंगे इस धर्म को, क्योंकि हम धर्म के रक्षक हैं। हम धर्म की रक्षा करेंगे, इसमें मैं हूँ या मेरा लाल हो। सुन लीजिए मेरी बात पिया जी। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में, ठाट पे समझ गया सारी हो कहानी तेरी में, कहानी तेरी में, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में। कफन तो नहीं है, लेकिन उसके बदले में मैं अपने गले की कंठी
और ये सिर का चीड़ दे रही हूँ पियाजी, इसको लेके जाइए और उस कालिया को दे दीजिए पियाजी, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे अपने बेटे का दाह संस्कार कर लेने। इतनी बात को सुन के देखिए राजा हरिश्चंद्र तो मैं नहीं हूँ लेकिन मेरा भी दिल जहल जाता है। तो किस तरह से वो तारावती अपना चीर और कंठी देती है तो राजा हरिश्चंद्र यानी कि मैं चलो इस कहीं कर मान के अपना मुर्दा जला ले और मुझे दे दे लेकर चल देते हैं। किस तरह कैसे बताएं? सुन लीजिए कैसे जानू सेवा खानी तेरी मैं